नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार हर वीक हम आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, उनमें प्रॉफिट बन रहा है और शानदार प्रॉफिट बन रहा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपके पास वक्त हो तब उस वीडियो को देखिएगा। ये कुछ मिनटों का वीडियो आपका आई ओपनर रहेगा। हर वीक 10% से लेके 13% तक, 10 से लेके 30% तक का प्रॉफिट बन रहा है। क्या आप फॉलो कर रहे हैं? ये सारे लेवल्स आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं एडवांस में। हर संडे मैं रिकमेंड करता हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो स्टडी है, ये वो नॉलेज है जो टेक्निकल एनालिसिस से देता हूँ। और मैं हर बार यही कहता हूँ, आप लोगों को भी सीखना चाहिए और उसको पैसा बनाना चाहिए। नहीं सीख रहे हैं, पर क्या मैंने आपको लेवल्स दिए उन पे आपने ट्रेड किया? 30% नहीं, 20%, 10% कुछ तो अर्न किया। और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन है फेथ। ये फेथ अगर आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस लेना है, सेल्फ पे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं जो भी कॉल्स देता हूँ उसका देने का लॉजिक यही है कि जो लोग अभी लेवल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, चार्ट पे जिनका प्रैक्टिस नहीं है, वो कुछ छोटे अमाउंट से पैसा बनाए। और जिन लोगों को, जिन्होंने सीखा है, जिनको नॉलेज है, अगर उनको मैं ये लेवल्स आ रहे हैं, उन्होंने लाखों रुपए बनाए होंगे, उसके लिए उनको बधाई है। मेरे लेवल्स आपको मिलते रहेंगे, बस आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। मैं इसी तरह से आपको लेवल्स और एजुकेशन के पार्ट भी देता रहूंगा। अभी जितने लोगों को, 500+ लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल जाती हैं, यूट्यूब पे 356 लोग आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, पर क्या सब लोग उस वीडियोस को प्रॉफिट ले पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये फेथ, हर किसी को 10 चीज का फॉलो करने के बजाय किसी एक को फॉलो कीजिए। आप 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, किसी भी वीक का उठा के देख लीजिए, आपको हर वीक यही प्रॉफिट मिलता रहेगा। मार्केट चाहे अप में जा रहा है, मार्केट डाउन में जा रहा है, पर पैसा फिर भी बन रहा है। हम क्या करते हैं, केवल वो लेवल्स देखने के लिए वीडियो को भगाया, 5 मिनट देखा, छोड़ दिया। अगर हमारे पास वो 10-20 मिनट नहीं है तो कैसे पैसा बनेगा? जो भी कर रहे हैं उसको पहले सीखना जरूरी है। नहीं, हम तो बिगर सीखे ही करेंगे, नहीं हमें तो सब कुछ आता है, फिर आता है तो पैसा क्यों नहीं बनता है? वो जब मार्केट डिप देता है तो फिर उस समय ही तो इन्वेस्ट करना है, पैसा तो इन्वेस्ट उसी समय करना है। वो फियर क्यों आता है आप लोगों में? कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया? और जब पीक पे जाता है तो एग्जिट करना है, तो क्या आप उससे एग्जिट कर पाए? उसका पूरा एक सेटअप चाहिए, एक सिस्टम होता है, सीखना है, उसका प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोगों ने सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं किया। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत कुछ सक्सेस करना है, बहुत बड़ा अचीव करना है, हम स्टॉक मार्केट में ये अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। कहना आसान होता है, खुद पे अपने इंप्लीमेंट कीजिए पहले, क्या आपने एक्शन लिया? दूसरे को कहना आसान होता है एक्शन लेना, पर क्या आप लोगों ने एक्शन ले रहे हैं? आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट का पावर बहुत है। आप किसी भी अप्लाई करें, कहीं भी करें इसको, किसी भी सेक्टर में, कमोडिटी में, कहीं भी देखें, वहां पैसा बनेगा और वो सीखना बनेगा। लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर ये लेवल को ट्रेड कैसे करूं? सर अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ट्रेड कैसे करना है तो फिर क्यों एंट्री कर रहे हैं? क्यों उसको लॉस सेज कर रहे हो? जितना लॉस अब तक आपने दे दिया ना, उसके नॉमिनल में खुद पे इन्वेस्ट करो। पहले खुद का सीखिएगा, उसके बाद में मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। मैक्सिमम लोग इसका अपोजिट करते हैं, पहले मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लूज करना है, पैसे को डुबोना है, और फिर सीखने का सोचते हैं, और फिर भी नहीं सीखते हैं, फिर भी जिद होता है कि हमें सब कुछ आता है। लोग, मैक्सिमम लोग, अगर नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, किस स्ट्राइक प्राइस का होता है, और टाइम डीके क्यों होता है, पर ऑप्शन में ट्रेड करना है।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। स्टॉक्स को लेना है, वो मैं जो लेवल दे रहा हूँ, मेरा कोई मैजिक नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है सर। मैजिक है उस टेक्निकल, उस मल्टी कन्फर्मेशन का, उस स्टडी का जो हम सिखाते हैं और जो मैं करता हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने ही लेवल्स दिए, वो लेवल से कैसे चल रहा है, यही तो स्टडी है सर। उस मल्टी कन्फर्मेशन को सीखिए। मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, गिरता है, चलता है, फिर भी आप इम्प्लीमेंट होता है। कुछ स्टॉक्स का पहले जिक्र करूंगा जिनको मैंने पिछले 2-3 वीक में दिया है, और ये इसीलिए, ये वीडियो एक थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, पर इस पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि जब मार्केट डाउन में जा रहा था, हर आदमी डर रहा था, और हमने जिन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट करवाया, जो स्टॉक्स आपको दिए, वही स्टॉक्स उन्हीं लेवल से क्यों चले, उन्हीं लेवल्स तक क्यों गए जहां तक हमने टारगेट दिए, उन्हीं पॉइंट से क्यों वो मूव कर रहा है, बाकी मार्केट गिर रहा है, वही स्टॉक अपसाइड में क्यों जा रहे हैं, ये सीखने का जरूरत है। विश्वास कीजिएगा, फॉलो कीजिए, 1 वीक 2 वीक 4 वीक कुछ नहीं चाहिए आपसे। हर वीक में यही कहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को सब इसको शेयर कीजिए। आपको अगर बेनिफिट हो रहा है ना, तो मेंटिलिटी ये रखिए सर, खुद का मत सोचिए, लोगों का सोचिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पॉइंट्स जाए और वो पैसा बना पाए। हमने आपको दिया था GNFC, नहीं आपको पता हो, जो नए अगर ऐड हो रहे हैं, पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, एडवांस में वीडियो देता हूँ, हर संडे वीडियो बनाता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, और ये कहता हूँ जब भी ये लेवल आए, फॉर्मेशन देके एंट्री कीजिएगा। मार्केट क्रैश हो रहा था, मार्केट डाउन जा रहा था, हर व्यक्ति डर रहा था, हमने GNFC को अलर्ट पॉइंट दिया था 550-553 से, हाई किया 715.75, 29.43, ऑलमोस्ट 30% का अप मूव इस गिरते हुए मार्केट में। यही स्टॉक्सन क्यों दिया हमने, टाटा स्टील, हर व्यक्ति डर रहा था, हमने इन्वेस्टमेंट का पॉइंट दिया, और टाटा स्टील ने यहाँ से एक बार नहीं, 3-3 बार पैसा बनाया है। हमने अलर्ट पॉइंट दिया 105-107 की जोन में, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, अलर्ट पॉइंट है, यहाँ अलर्ट रहिएगा। लो कितना किया सर, 1067, उसी रेंज में क्यों, यही चीज सीखने का है, उसी पॉइंट की उसी रेंज से क्यों मार्केट ने अपमूव किया, और अपमूव कितना दिया, 25% का अपमूव सर। 25 नहीं, 20% का तो गेन करेंगे, 15% का, 10% का कुछ तो इन्वेस्टमेंट करते। ये इन्वेस्टमेंट तब करते जब आपको अपने आप पे या मुझ पे फेथ होता। इसीलिए कहता हूँ 1 वीक 2 वीक 4 वीक प्रॉपर फॉलो कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, फॉलो कीजिए, उन लेवल्स को देखिए, नॉमिनल ट्रेड कीजिए, आपको पता चलेगा कैसे पैसा बनता है। कुछ नहीं है, सब सीखना है, और टेक्निकल बहुत आसान है। वेदांता हमने दिया 356 से, हाई किया 401.45 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 12% का अपमूव दिया। ये अपमूव कब बता रहा हूँ आपको, जब मार्केट डाउन जा रहा था, तब इन स्टॉक्स ने अपमूव दिया। हिंडाल को 552 से हमारा अलर्ट पॉइंट 625, ऑलमोस्ट 13% का, 30% का, 12.86% का इसने भी अपमूव दिया है। कहाँ हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, हमने अलर्ट पॉइंट दिया TCS के लिए 3385 से लेके 3400 का, ये अलर्ट पॉइंट जोन दिया, लो कितना किया, 3391, चेक कीजिए जाके आप, उसी पॉइंट में उसी रेंज में क्यों, और वहां से अपमूव कितना दिया, 3684, 284 पॉइंट्स का अपमूव, 8% का अपमूव। ये है पावर मल्टी कंफर्मेशन का, इंफोसिस, कोई एक स्टॉक नहीं जो तुक्का लग गया, हर स्टॉक्स में देखिए आप, इंफोसिस। हमने अलर्ट पॉइंट क्या दिया, 1660-1670, लो कितना किया, 1665, उसी रेंज में क्यों, और एक बार नहीं, पहले भी जो हमें पुराने फॉलोवर कर रहे हैं, पहले भी इसी लेवल से बाइंग करवाई है, मार्केट ने 10% प्लस अपमूव दिया है। लोग मंथली ईयरली गिरे हुए मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, 10-10% का, और ये तो वीक का बता रहा हूँ मैं आपको, ये मंथली या एनुअल रिटर्न नहीं बता रहा हूँ, ये वीक का रिटर्न है, और एक एक स्टॉक का है। बिरला केबल 147 का लेवल दिया हमने, हाई कितना किया, 172.80, 17.55% का अपमूव। BEL 202 से बाई करवाया, हाई किया 226, 12% का अपमूव।
ऐसे बहुत से और स्टॉक हैं, अगर सब स्टॉक्स का देने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए बैक में जाइए, देखिए उन वीडियोस को कि क्या मैंने एडवांस में लेवल दिए, और एडवांस में दिए हैं। लोग कहते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड दो, चल लाइव मार्केट में क्या करेंगे, मैं तो एडवांस में दे रहा हूँ, और जब भी ये लेवल आए उन पे फॉर्मेशन बने ट्रेड कीजिए। वो फॉर्मेशन कैसे बनेगा, वो एंट्री क्या करूंगा, एग्जिट कैसे करूंगा, ये सीखना पड़ेगा मेरे भाई, सीखना पड़ेगा। हर बिजनेस सीखने से होता है, और सीखने के साथ में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ में एक्शन, ये सेटअप है, ये रूल है, ये करना पड़ेगा। सीख लिया पर एक्शन नहीं लिया, प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे हम, तो जिद है हमारी सर। मार्केट सुपीरियर है, मार्केट से सुपीरियर आप कतई ही नहीं है। आप कितनी भी जिद कर लीजिए, आपकी जिद करेंगे ना मार्केट से कमा लेंगे। हम तो बिगर सीखे करेंगे, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें तो कॉल्स मिल रही है, हमें तो वो रिकमेंड कर रहा है, हमने पैसा बनता है सर, ऐसे पैसे बनता ना तो सब करोड़पति बन गए होते। इस स्टॉक मार्केट में 95% लोग पैसा लूज नहीं करते, अगर इसी तरह पैसा बनता तो कोई बिजनेस नहीं बनता है सर, ये भी नहीं बनेगा। पर ये बहुत ईजी है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है, करना चाहिए, इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस, जॉब पर्सन, कुछ भी, स्विंग ट्रेड कीजिए, पोजिशनल कीजिए, जरूरी नहीं है इंट्राडे कीजिए, कीजिए ना सर। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका फेथ आना चाहिए। इसलिए पहले अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, सीखने का सोचिए, बड़ा सबको बनना है, बड़ी बड़ी बातें सबको करनी है, करोड़पति लाख अरबपति सबको बनना है, लाखों कमाना है, पर कैसे सर, बिगर सीखे पॉसिबल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना लाइफ में ना ट्रेडिंग में। इसलिए हर बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, पिछले वीडियो देखिए, वीडियोस फॉलो फॉलो कीजिए, जो लेवल्स देता हूँ उन पे ट्रेडिंग करके देखिए, सीखिए, अगर आपने सीखा है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए सर। वो तो प्रैक्टिस जितना करेंगे तभी आपको वो पैसेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आ रहे हैं लेवल तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। जो इधर उधर मत देखिए, खुद के सपने आपके हैं, गोल आपके हैं, उनको अचीव आप करेंगे सर, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सफलता, ओ सॉरी, सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी चाबी है। प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। सबको वॉरेन बफेट बनना है, सबको सचिन तेंदुलकर बनना है, सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं बनता है, उसने प्रैक्टिस किया है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में अचीव कर रहा है, किसी को आइडल मानते हो तो उसने प्रैक्टिस किया है, वो वक्त दिया है, वो देना पड़ेगा। बहुत आसान है, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, बार बार कहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान है, सीखना चाहिए, सीखा है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, एक्शन लीजिए, जब तक एक्शन नहीं लेंगे पैसा नहीं बनेगा। कुछ स्टॉक्स मैंने लास्ट वीक दिए थे, लास्ट वीक का ही परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, जो मैंने लास्ट संडे को दिया है, 5 दिन बैक का तो प्रैक्टिस देखेंगे, लास्ट संडे का तो वीडियो देखेंगे आप। बिरला सॉफ्ट का मैंने लेवल दिया है 446, आई किया 470, 5% प्लस का आप मुंह दिया है। पावर ग्रिड अलर्ट पॉइंट हमारा क्या था, 220, डाउन में गया वहां से, अगर आप सेल करके कर सकते हैं तो आपने 6% का प्रॉफिट लिया होगा, नहीं कर सकते हैं बाइंग करके ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक अच्छे ट्रेडर को हर तरह के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, वो मार्केट का अप मूव हो, डाउन मूव हो, या साइडवेज हो, इसलिए सीखना जरूरी है। एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, वो भी जरूरी है, एग्जिट भी तो आएगा, सीखना तो पड़ेगा। टाटा मोटर डीवीआर, हमने अलर्ट पॉइंट आपको दिया 194, 196, इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ये डाउन में गया, कहाँ तक गया सर, जाके चेक कीजिए, 180, हमने सपोर्ट क्या दिया, एडवांस में संडे को दिया 179, उसी सपोर्ट पॉइंट तक ही क्यों गिरा सर। और फिर मजे देखिए आप, वहां से मूव करता है, अप मूव करता है, हाई करता है 214.50 पैसा, चेक कीजिएगा लास्ट संडे का वीडियो जाके, हमने रेसिस्टेंस दिया 214, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से हमारे ही सपोर्ट से चलता है, हमारे रेसिस्टेंस पे गिरता है सर। ये मेरा मैजिक नहीं है, ये मल्टी कन्फर्मेशन का पावर है, ये टेक्निकल का पावर है, ये उस प्रैक्टिस का पावर है, ये आप भी सीख सकते हैं और हर बंदा सीख सकता है, डेडिकेशन होना चाहिए। 48% का मूव आया है, 25% का अगर टोटल मूव को काउंट करें तो, आपने कितना अर्न किया विचार आपको करना है।
जीएसएफसी अलर्ट पॉइंट था 2127, हाई किया 143, लगभग 12% का आप मूव। एक वीक का बता रहा हूँ आपको, लास्ट वीक का ही चेक कर लीजिएगा। रॉयल ऑर्चिड होटल 100.50 पे हमारा अलर्ट पॉइंट हाई किया 119, 18% का मूव एक वीक में। आप और क्या चाहते हैं? केवल आपको 4 या 5 स्टॉक्स देता हूँ, उन पे तो ट्रेड कीजिए, जब वो लेवल आता है उसमें एंट्री कीजिए। कब एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? सर फॉर्मेशन समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई पहले सीखो, पहले अपने पे इन्वेस्ट करो मार्केट में, उसके बाद इन्वेस्ट करना। निफ्टी में हमने अलर्ट पॉइंट दिया था 16254 लास्ट वीक, मार्केट ने नेक्स्ट मंडे को डाउन में गैप डाउन ओपन हुआ, एंट्री नहीं मिला, सपोर्ट से एंट्री मिला। मैं सपोर्ट वाला बात ही नहीं करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस से करूंगा तो बहुत से पॉइंट बनेंगे। लोग कहेंगे अलर्ट पॉइंट से बताओ, अलर्ट पॉइंट से भी अगर आपने मूव किया होता तो इसने हाई किया 16757। जब ये चल रहा था, जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करते हैं उनको लाइव मार्केट में हमने रेसिस्टेंस दिया 16770, 16825 का रेसिस्टेंस है। उस दिन हर व्यक्ति तेजी में मिला था कि युद्ध खत्म हो गया, अब तो इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया, हमें बाइंग करना है। मैंने रेसिस्टेंस दिया, मार्केट वहां से 300 पॉइंट डाउन गया 16450। ये समझना है कि एंट्री किस लेवल पे करना है और एग्जिट भी कहाँ करना है। एंट्री कर लिया पर एग्जिट नहीं कर पाए। टोटल निफ्टी ने हमारे पॉइंट से, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अलर्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 812 पॉइंट का मूव दिया है। बैंक निफ्टी, हमारा अलर्ट पॉइंट था 34500, 34600। मार्केट ने गैप डाउन किया, हमारे अलर्ट पॉइंट से नहीं गया, हमारा सपोर्ट पॉइंट था 1213 2160, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट चेक कीजिए। संडे को दिया, एडवांस में दिया 32160। बैंक निफ्टी ने लो क्या किया 32175। 10-20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कोई मायने नहीं रखता है, एक जोन होता है, उस रेंज में गया वहां बाइंग करना बनता है। और वो समझ है आपको, वो फियर कब तक था, वो फियर क्यों था? हमें एजुकेशन नहीं थी, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। जिसको फियर नहीं था उसने पैसा बनाया। और हाई कितना किया 35375, 3582 पॉइंट्स का गेन। इसमें आपने कितना बनाया? 3000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, बताइएगा? नहीं बताते हैं। पर सर पैसा बनाइए मत बताइए, बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं लेवल इसी तरह देखता हूँ। और ये रिक्वेस्ट है, सीखने का सोचिए, और अगर सीखा है तो उसका प्रैक्टिस करना आज ही से शुरू कर दीजिए। क्योंकि तो पैसा अगर आपको कोई बना के देगा तो वो आप खुद हैं। सेल्फ से पैसा बनेगा, किसी दूसरे से नहीं बनेगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने दिया ONGC, अलर्ट पॉइंट था 180, हाई किया 195 अप्रोक्स, और फिर अलर्ट पॉइंट से लो किया 165। हमारा सपोर्ट पॉइंट क्या था? 166। उसी सपोर्ट पॉइंट से गया वापस अपने मुंह दिया, टोटल 14 पॉइंट्स का, 22 पॉइंट्स का गेन दिया। हम कितना बना पाए ये हमें विचार करना है। रिलायंस इंडस्ट्री, अलर्ट पॉइंट दिया, लाइव मार्केट में दिया। हमारे अगर सपोर्ट से बात करेंगे तो उस सपोर्ट से तो इसने करीब करीब लगभग 150 के पास प्रॉफिट दिया, 150 पॉइंट्स का। पर मैं सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे अलर्ट पॉइंट को हाईलाइट करो, बहुत मैसेज आते हैं। मैं अलर्ट पॉइंट से ही बता रहा हूँ, 2370, 2380, ये लाइव मार्केट में मैंने दिया। रिलायंस का हाई किया, एक दिन हाई किया 2405, नेक्स्ट दिन हाई किया उसी लेवल से, उसी सपोर्ट पॉइंट से 2411। लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी लेवल आते हैं फॉर्मेशन देखिए, एंट्री कीजिए। इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के लेवल जैसे हर वीक देता हूँ, फिर आपके लिए स्टॉक्स लेके आया हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, इन लेवल्स को लिख के रखिए, समझिए उन चीज़ को और पैसा बनाइए। बहुत आसान है पर उसको फॉलो करना ज़रूरी है, उसको लिखना तो ज़रूरी है। 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो तो सुनिए, उसको डायरी में नोट डाउन तो कीजिए। और नोट डाउन करने से क्या हो रहा है, एक वीक, दो वीक, चार वीक फॉलो किया ना आपने, तो फॉलो किया तो अब उस पर एक्शन लीजिए। और खुद से करना है, बड़ा पैसा कब बनेगा? जब खुद से करेंगे।
तो खुद से कब करना है तो सीखना पड़ेगा, सीखने का सोचिए। इस वीक के लिए पहला स्टॉक होगा सिप्ला। सिप्ला में दो पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मार्केट डिप देता है, नीचे आता है डाउन में, और 1000 की रेंज में मिलता है, 998 या 1000 की रेंज में, तो वहां आपको अलर्ट में, वहां उस पॉइंट को देखना है, वाच करना, वो अलर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट डिप नहीं देता है तो नेक्स्ट इसका अलर्ट पॉइंट है जहां लगभग इसकी क्लोजिंग है 1030 1040। दोनों लेवल्स को वॉच कीजिएगा, जहां फॉर्मेशन मिला आप एंट्री कर सकते हैं। सपोर्ट पॉइंट इसके होंगे 983 958 943। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1090 1120 1210। लिख के रखिएगा लेवल को। नेक्स्ट स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर, अलर्ट पॉइंट होगा 480। सपोर्ट पॉइंट होंगे 465 448 436। सपोर्ट पॉइंट होंगे 465 448 436। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 492 502 509। लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी फॉर्मेशन बनता है लेवल्स को देखिए और पैसा बनाइए। अंबुजा सीमेंट 281 टू 291। इस जोन में अगर फॉर्मेशन देख करके अगर ये होल्ड करता है तो आपको बाइंग करना है, इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो आप सेल की पोजीशन बनाइएगा। सपोर्ट पॉइंट बनते हैं 281 276 226 266। सपोर्ट पॉइंट होंगे 281 276 266। रेसिस्टेंस होंगे 300 312 320। एनएमडीसी का अलर्ट पॉइंट हम पहले दे चुके हैं और यहाँ से इसने डाउन में बहुत अच्छा पैसा दिया है, लगभग 15-20% का पैसा बना था उस समय, फिर उसी पॉइंट के आसपास आया है। इसीलिए कहता हूँ लेवल्स को लिख के रखिए, 159 के लेवल्स को होल्ड कीजिए, देखिए उसको। नीचे में सपोर्ट पॉइंट होगा डाउन में 150 147 133। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 169 180 और 182। ये टू पॉइंट्स का एक जोन है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसको देखिएगा, वॉच कीजिएगा। उसको ब्रेक करता है या होल्ड करता है, अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस होगा 193। एफएल इंडिया अलर्ट पॉइंट होगा 1260। सपोर्ट पॉइंट होंगे 1222 1195 1175। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1290 1310 1342 1390। पॉइंट्स को लिख के रखिएगा दोस्तों। निफ्टी, निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट इस वीक के लिए होगा 16450 से लेके 16470। 20 पॉइंट का जोन अलर्ट पॉइंट है। डाउन में जो सपोर्ट पॉइंट होंगे 16340 16210 215। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सपोर्ट 16340 16215 16085। सपोर्ट पे फॉर्मेशन बनता है, बाइंग कीजिएगा। ऊपर में रेसिस्टेंस देखिएगा 16670 16770 16830 16890 16890 ये रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अलर्ट पॉइंट लास्ट वीक का देखिएगा, अगर आपके पास लिखा हुआ तो चेक कीजिएगा, यही अलर्ट पॉइंट हमने दिया था। और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, मार्केट ने फ्राइडे को क्लोज कहाँ किया है, उसी अलर्ट पॉइंट पे 34546 का क्लोजिंग है। और हमारा लास्ट वीक भी अलर्ट पॉइंट क्या था, वही अलर्ट पॉइंट इस बार भी है, पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं। 34500 34600 इस जोन में हमारा अलर्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट पॉइंट होंगे 34000 33400 32550 32160। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 35525 36100 36500 36700। दोस्तों आज का
ज्ञान का विचार आपको अपने और अपने बिजनेस पे फेथ विश्वास होना चाहिए। ये फेथ ही आपको सक्सेस सफलता दिलाएगा। अगर आपको सेल्फ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है और आपके बिजनेस पे फेथ नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। उसको जनरेट कीजिए, वो आएगा सीखने से, आपकी नॉलेज से, आपकी प्रैक्टिस से, आपके एक्शन से। कि आप कितना एक्शन लेते हैं, लोगों को कहना आसान होता है कि एक्शन लीजिए, क्या आप खुद एक्शन ले रहे हैं? विचार कीजिएगा इस पे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, 9828080757। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आपको टेक्निकल के रिगार्डिंग, फंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, माइंडसेट, 50% काम इस स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में माइंडसेट काम करता है। डिसिप्लिन, पॉजिटिव माइंडसेट, क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो करना है, उन पे कहीं भी आपको कोई भी डाउट्स या क्यूरीज हो, आप हमें पूछ सकते हैं। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपको ये लेवल निकाल के देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लाइक करेंगे, मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो सुनने के लिए कहा था, इसलिए लास्ट में ही एक चीज कह रहा हूँ। अगर जिस दिन आप लोगों ने मार्च एंड तक 1000 सब्सक्राइब का मेरा चैनल पे हो गया, आपको एक फ्री ऐसा सेशन दूंगा, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदल जाएगा। और उसके लिए आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मुझे 1000 सब्सक्राइब चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये करेंगे। मार्च एंड तक चाहिए दोस्तों मुझे। इस वीक 500 करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और अगर आपने मार्च एंड तक 1000 किया, ऐसा सेशन दूंगा, फ्री होगा, सबके लिए होगा। ऐसा सेशन जिसमें आपका जो आपको फियर आ रहा है, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जो आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, सब दूर हो जाएगा। हम स्टॉक्स में नहीं कर पा रहे हैं, हम फ्यूचर में नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑप्शन में नहीं कर पा रहे, बहुत तरीका है करने का, पर हमें वो समझ तो आए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।